Hello students, today we are going to read the remaining part of chapter number 15, A Blind Boxer. The bell rang for round 5. जो round 5 था उसके लिए जो bell थी वो बजी. I don't want to fight. I can't see. Cassius begged his corner man. Cassius जो था उसने अपने जो कॉर्नर मैन थे उनके सामने क्षमा मांगी, बैग की प्रार्थना की. आई कांट फाइट, मैं लड़ नहीं सकता. आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता. आई डोंट वांट टू फाइट, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ. टेक माई ग्लव्स ऑफ, मेरे जो दस्ताने उतार दीजिए. आई कांट सी, मैं देख नहीं सकता हूँ. एंजले डंडी क्ले ट्रेनर, एंजले जो डंडी क्ले का जो ट्रेनर था, हैड ए डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक. उसको जो है बहुत ही कठिन निर्णय लेना था. ही कुड रिमूव क्लेज ग्लव्स, वह क्ले के जो ग्लव्स थे, जो दस्ताने थे, उनको हटा सकता था. एंड स्टॉप द फाइट, और लड़ाई को रोक सकता था. लिस्टन वुड बी डिक्लेयर द विनर, लेकिन जो लिस्टन था वो विनय घोषित हो जाएगा. द रेफरी वॉइस ब्रोक इनटू हिज थॉट, जो रेफरी की जो वॉइस थी, जो आवाज़ थी, उसने उसके जो विचार थे उनको जो है ना तोड़ दिया. क्ले कम आउट हियर, क्ले कम आउट, यहाँ आइए. लेट्स गेट स्टार्टेड, आओ शुरू करते हैं. डंडी मेड वन लास्ट स्पेयरिंग स्वाब एट क्लेज आई, जो क्ले का जो ट्रेनर था डंडी, उसने एक अंतिम निराशापूर्वक जो स्वैब था, जो सफाई करने वाला जो कार्य था, उसको किया. एट क्लेज आई, क्ले की आंखों पर. एंड देन मेड अप हिज माइंड, और फिर अपना दिमाग तैयार किया. ही पुश्ड हिम बैक इनटू द रिंग, उसने उसको वापस रिंग के अंदर धकेल दिया. दिस इज द बिग वन, ये जो मुकाबला था ये एक बहुत बड़ा मुकाबला था. द वर्ल्ड टाइटल, ये वर्ल्ड का टाइटल था, विश्व स्तरीय टाइटल था. इट डज नॉट गेट मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, ये चीजें इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी. फाइट कैशियस, फाइट कैशियस, लड़ो लड़ो कैशियस. ही अर्ज द ब्लाइंडेड क्ले, उसने जो है ब्लाइंडेड जो क्ले था, जो अंधा, उसकी आंखें जो बंद हो गई थी, तो उसको उसने कहा. अलोंग विद द अदर पीपल इन द कॉर्नर, जो कोने के अंदर जो दूसरे साथी थे उनके साथ उसने कहा. फाइट कैसियस, फाइट. क्ले सीम्ड अबाउट टू रेजिस्ट, क्ले जो विरोध करता हुआ दिखाई दिया. बट देन द अर्जेंसी इन देयर वॉइस, लेकिन जो अर्जेंसी थी, जो अति आवश्यक जो चीज उसकी आवाज में था, गोट थ्रो हिम, वो उसको जो है गोट थ्रो हिम यही कह रही थी कि भी गोट थ्रो हिम, उसको जो ना आप लड़ाई को जारी रखिए. ब्लिंकिंग फ्यूरियसली, बड़े गुस्से से आंखों को झपकाते हुए. ट्राइंग टू क्लियर हिज आइज, वह अपनी आंखों को जो है साफ करने का प्रयत्न कर रहा था. ही स्टेप बैक इन टू द फाइट, वह वापस जो है लड़ाई में जा रहा था. ही वॉज फेसिंग वन ऑफ द हार्डेस्ट पंचेज, वह जो है संसार के अंदर जो फाइट होती है उसके अंदर, जो वर्ल्ड का जो हैवी वेट की जो चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी उसके अंदर क्या होता है बेटे, ही वॉज फेसिंग, तो वहां पर सामना जो होता है हार्डेस्ट पंचेज से होता है. ही वॉज फेसिंग, वह सामना कर रहा था. वन ऑफ द हार्डेस्ट पंचेज, सबसे मजबूत जो कठोर जो पंच थे, जो मुक्के थे उनका, इन द हिस्ट्री ऑफ बॉक्सिंग, जो बॉक्सिंग का जो इतिहास था उसके अंदर वो सबसे कठोर जो हार्डेस्ट जो पंच थे उनका सामना कर रहा था. एंड ही कुड नॉट सी, और वह देख नहीं सकता था. वुड क्ले बी एबल टू फेस द सिचुएशन, क्या क्ले जो है जो सिचुएशन थी इसको फेस करने में समर्थ होगा. लिस्टन, ये जो क्वेश्चन है इसका देखते हैं आप क्या आंसर है. लिस्टन
seemed to have sensed that this was his chance to finish the fight. Liston seemed to have sensed. लिस्टन को जो है ना ये आभास होने लगा था, दिखाई देने लगा था कि दिस वाज हिज चांस, ये उसका मौका था टू फिनिश द फाइट, लड़ाई को समाप्त करने का। ही चार्ज एट कले, उसने कले के ऊपर प्रहार किया, थ्रोइंग पंचेज आफ्टर पंचेज, पंच के ऊपर पंच उसने पंचों से प्रहार किया एट हिज ब्लाइंडेड ओपोनेंट, अपना जो विरोधी जो प्रतिद्वंदी था उसके ऊपर पंच आफ्टर पंच उसने जो ना प्रहार किया। इट सीम्ड सेट टू बी ए मास्केर, इट सीम्ड ऐसा दिखाई दिया सेट टू बी ए मास्केर, ये क्या है, ये एक प्रकार का नरसंहार है। ओनली द पंचेज डिड नॉट लैंड, केवल जो पंची थे वे सफल, केवल पंची जी सफल नहीं हो रहे थे। ऑल्दो ही कुड नॉट सी क्लियरली, वह जो है ना उनको जो उन वो जो है ना उनको अच्छी तरह से एक दूसरे को आपस में कले जो है देख नहीं पा सकता था। कले वाज कीपिंग हिज ईयर्स ओपन, कले जो है ना अपने जो कानों को खुले रखे हुए था। हियरिंग हिज कॉर्नर मैन आउट, अपना जो कॉर्नर मैन थे उनकी आवाज़ को सुन रहा था, आउट इंस्ट्रक्शन और उनके निर्देशों को। मूव टू द लेफ्ट कैश, ग्रैब हिम कैश, कैशियस मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ, मुँह कर जाओ, ग्रैब हिम कैशियस, कैशियस उसको पकड़ो, गेट अवे टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हो जाओ, गेट अवे टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हो जाओ, क्विकली नाउ कैशियस जल्दी से, डक मैन, डक 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 नीचे झुक जाओ मैन, डक नीचे झुक जाओ, नीचे नीचे, द रोप आर जस्ट ए स्टेप बिहाइंड यू, जो रोप है जो रस्सी है वो ठीक आपसे पीछे है। बॉय कीप क्लियर, कीप माने रखना, क्लियर माने साफ, कीप क्लियर, कीप क्लियर, साफ रखो अपने आप को, स्पष्ट रखो। वर्किंग टोटली बाय हिज ईयर्स, वह पूर्ण रूप से अपने कानों से कार्य कर रहा था। कले केप्ट गेटिंग आउट ऑफ द वे ऑफ लिस्टन लेटरल पंचेज, कले केप्ट गेटिंग आउट, कले जो है वो बाहर आ रहा था ऑफ द वे, उस जो लिस्टन के जो डेंजरस जो जानलेवा जो पंची थे उनसे वह बाहर आ रहा था, उनसे बच रहा था। हैड इवन वन ऑफ देम लैंडेड द फाइट वुड हैव बीन वेल एंड ट्रूली ओवर, हैड इवन वन ऑफ देम, क्या उनमें से एक लैंडेड द फाइट, लैंडेड जमीन पर धाराशाही हो जाए, द फाइट वुड हैव बीन वेल एंड ट्रूली ओवर, और जो फाइट है वो अच्छी तरह से और सच्चे तरीके से जो ना समाप्त हो जाएगी। बाय नाउ, अब तक इवन द स्पेक्टेटर हैड रियलाइज, अब तक जो स्पेक्टेटर थे उन्होंने महसूस किया था दैट दे वर सीइंग वन ऑफ द ग्रेट फीस्ट ऑफ करेज इन स्पोर्ट। ही बाय नाउ, अब तक इवन द स्पेक्टेटर जो दर्शक थे हैड रियलाइज, अब उन्होंने महसूस हुआ था दैट दे वर सीइंग कि वे देख रहे थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीस्ट, सबसे जो शानदार जो साहसिक कार्य था वे उसको देख रहे थे, ओप कर रहे साहस का इन स्पोर्ट खेल के मैदान में। कले वाज फाइटिंग ए वर्ल्ड चैंपियन, कले जो है एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ लड़ रहा था, एंड ही वाज डूइंग इट ब्लाइंड, और ये जो कार्य ऐसा था वो इसको क्या कर रहा था, अंधा होकर के कर रहा था। लॉजिकली तार्किक रूप से ही शुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, वह जो है ना लॉजिकली ही शुड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, उसे जो है ना नष्ट हो जाना चाहिए था। येट फिर भी हियर वाज दिस मैन, यहाँ वह आदमी था हु कुड नॉट सी क्लियरली, जो आदमी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, एंड वाज स्टिल सर्वाइविंग अगेन, और अब भी जो है ना अपने आप को बचाए हुए था अगेंस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर, किसके अगेंस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ दिस एरा, इस युग के सबसे जो महान फाइटर थे उनसे बचाने, अपने आप को उसके विरुद्ध बचाने का जो ना स्पष्ट रूप से प्रयत्न कर रहा था। ग्रैब हिम कैश, ग्रैब हिम कैश, ग्रैब माने होता पकड़ना, उसको पकड़ो। कले रिस्पोंडेड टू हिज कॉर्नर
कले जो है कॉर्नर से जो कॉल आ रही थी उसके अनुसार ही प्रतिक्रिया कर रहा था, एंड ड्रैप्ड एन आर्म अराउंड द नियरिंग लिस्टन। और ड्रैप होता है लपेटना, और वो जो है ना अपने जो आर्म थे वो लपेटे हुए था अराउंड द नियरिंग लिस्टन, जो नजदीक जो लिस्टन था उसकी चारों उसके चारों तरफ। एंड इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेटेड लिस्टन, और एक बढ़ता हुआ जो फ्रस्ट्रेट जो परेशानी थी जो लिस्टन की, ट्राइड टू शो हिम अवे, वो जो है ना उसको धक्का देने का प्रयत्न कर रहा था, बट ही वुड नॉट लेट गो, लेकिन वह जा नहीं रहा था। द रेफरी पुश्ड देम अपार्ट, जो रेफरी था उसने एक दूसरे को धकेल करके एक दूसरे से अलग किया। द क्राउड वेटेड, जो भीड़ थी वो इंतजार कर रही थी फॉर द नेक्स्ट लिस्टन अटैक, लिस्टन का जो अगला आक्रमण था उसका जो भीड़ इंतजार कर रही थी। बट इट डिड नॉट कम, लेकिन ये नहीं आया स्टेट सिवाय इसके, इट वाज कले, ये कले था उस डनली स्मैश्ड जैब, जिसने जिसने जो ना एक ब्लास्ट किया, जोरदार धक्का उसको दिया, स्मैश्ड जैब उसको जोरदार धक्का दिया इनटू द स्टंड चैंपियन फेस, उस दंग रह गए चैंपियन के चेहरे पर। अनदर जैब फॉलोड, उसके बाद जो ना दूसरा प्रहार किया, एंड अनदर, फिर उसके बाद दूसरा प्रहार किया। एज द रिंग साइड कमेंट्रेटर स्टूड स्टंड, रिंग के साइड में खड़े हुए जो कमेंट्रेटर थे वे जो है ना आश्चर्यचकित रह गए एट हिज सडन टर्न अराउंड, उसका जो अचानक जो उसके अंदर जो मोड़ आया, तो उस पर जो कमेंट्रेटर जो रिंग साइड की तरफ खड़े हुए थे उन वे जो है ना हैरान हो गए। एंजेलो डंडी सेट डाउन, एंजेलो डंडी जो था वो नीचे बैठ गया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ड्यूरिंग द राउंड, राउंड के दौरान जो एंजेलो डंडी था वो नीचे बैठ गया। ही वुड नॉट नीड टू स्पंज, उसको जरूरत नहीं थी स्पंज कैसियस आइज अगेन, कैसियस की आंखों को दोबारा से स्पंज करने की उसको जरूरत नहीं थी। आफ्टर बींग ब्लाइंड फॉर मोस्ट ऑफ द राउंड, राउंड के अधिकतर समय अंधा रहने के बाद कले कुड सी अगेन, कले जो है ना दोबारा से देख सकता था। हिज आइज वर क्लियरिंग, उसकी आंखें जो अब साफ हो रही थी। दो हिज शियर करेज इन द रिंग ही हैड एमर्ज अनहार्म्ड, यद्यपि हिज शियर करेज उसका जो है पूर्ण रूप से जो साहस था रिंग के अंदर जो है उसने जो रिंग के अंदर जो पूर्ण साहस दिखाया, ही हैड एमर्ज अनहार्म्ड, वह जो है बिना हानि पहुंचे उबर कर ऊपर आया। डंडी स्माइल, डंडी जो मुस्कुराया, मैनी कंसिडर कैशियस डिसीजन टू फाइट ऑन द सर्वाइव एज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिराकल, मैनी कंसिडर कैशियस, बहुत सारों ने सोचा जो कैशियस था डिसीजन टू फाइट, जो उसका लड़ाई करने का जो निर्णय था उन लड़ाई को जारी रखने का एंड सर्वाइव और अपने आप को बचाने का, एज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए मिराकल, वो एक प्रकार के चमत्कार से कम नहीं था। वन ऑफ हिज सपोर्टर, उनके जो सपोर्टरों में से एक ने जो हावर्ड बिंगम, जो हावर्ड बिंगम था उनके सपोर्टरों में से एक, हाउएवर वाज नॉट सरप्राइज बाय इट, वो जो ना इस पर हैरान नहीं था। हिज एक्सप्लेनेशन वाज चार्मली सिंपल, उसकी जो व्याख्या थी वो बड़े ही हैरानी पूर्वक साधारण थी। इफ बेथोवन कुड कंपोज म्यूजिक व्हेन ही वाज डेप, अगर जो बेथोवन जो है किसी संगीत की रचना कर सकता था जबकि वह बहरा था, वाई कुड नॉट कैसियस कले, वाई कुड नॉट कैसियस कले फाइट व्हेन ही वाज ब्लाइंड, भाई जब एक बेथोवन जो है एक बहरा होते हुए संगीत की रचना कर सकता था तो कैसियस जो है क्यों नहीं लड़ सकता था जब वह अंधा था। तो बेटे ये मैसेज है, नेवर गिवन नेवर गिव अप, चैलेंज ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। ओके, द लेसन इज रिटन बाय निमिष दुबे, लेसन को ध्यान से रीड करना है। ओके.